दोस्तों, आप देख रहे हैं कल्याण अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को गूगल पे का बैंक अकाउंट ऐड करना सिखाऊंगा, और कुछ बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है तो उसका बारे में बताऊंगा, और ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप लोग को बैंक अकाउंट ऐड करना है। और बैंक अकाउंट ऐड करने में प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग सबको, तो इस वीडियो में आप लोग को फुल बताऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओके, और बढ़िया सा एक कमेंट दे दीजिए, और मेरा जो गिवे चल रहा है गिवे में पार्टिसिपेट हो जाएंगे। तो बिना समय गवाया चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं अभी रटा ऑन कर लेता हूँ, और गूगल पे ऑन कर लेता हूँ, रुकिए, जो गूगल पे का अकाउंट है वो ऑन कर लिया हूँ। तो आप लोग यहाँ में देख लीजिए ऑन है, हो गया। तो आप लोग को मैं कुछ सेटिंग के बारे में बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिए, वीडियो मत स्किप करिए। स्किप करने से आप लोग कभी भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर सकेंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में हम लोग बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक देखने से आप लोग को फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और आप लोग बैंक अकाउंट ऐड कर सकेंगे। तो वीडियो देखिए अंत तक। तो आप लोग को मैं कुछ स्टेप बता देता हूँ। तो आप लोग को पहला स्टेप है, जो बैंक अकाउंट है वो आप लोग का फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए, जिस मोबाइल से आप लोग खुल रहा है, तो वहाँ में डाटा भी होना चाहिए और सिम लगा होना चाहिए, और सिम में 1-2 रुपया होना चाहिए, क्योंकि मैसेज सेंड होगा तो आप लोग को सेंड में प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्लीज़ मोबाइल में रिचार्ज होना आवश्यक है जिस अकाउंट में आप लोग चाहते हैं और बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए गूगल पे में। और दूसरा स्टेप सुन लीजिए, तो आप लोग का दूसरा स्टेप होगा, आप लोग का मोबाइल में एक बार रिबूट मार लीजिए और स्विच ऑन ऑफ कर लीजिए, नहीं तो आप लोग को इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन सुन लीजिए, तीसरा ऑप्शन है कि आप लोग का कभी कभी बैंक का सर्वर डाउन हो सकता है, इसलिए बैंक अकाउंट ऐड भी नहीं हो सकता है। तो आप लोग ट्राई करते रहिए, ट्राई करने से होगा, और आप लोग का बैंक अकाउंट उस नंबर से रजिस्टर होना चाहिए जिस नंबर से आप लोग डाटा चला रहे हैं, वो बात पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डाटा चला रहे हैं। और आप लोग बैंक में जाके केवाईसी कर लीजिए। केवाईसी करने से क्या होगा फ़ायदा, तो आप लोग को जो बैंक अकाउंट है वो गूगल पे से लिंक हो जाएगा, और उस नंबर को भी आप मोबाइल नंबर वहाँ में सबमिट कर दीजिए केवाईसी में, तो आप लोग का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो उसका बाद मैं स्टेप बता देता हूँ आप लोग कैसे बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो आप लोग को डाटा ऑन कर दीजिए, डाटा तो होना आवश्यक है, और रिचार्ज पैक भी होना आवश्यक है। तो देख लीजिए, इसका बाद ये आप लोग ऑन कर लीजिए, इसका जो कैक ऑप्शन दिखा रहा है वहाँ में जाइए, वहाँ जाए जो बैंक अकाउंट ऐड है वहाँ जाइए, बैंक अकाउंट ऐड का ऑप्शन जो दिखा रहा है दूसरा में वहाँ में जाइए, जहाँ मैंने देखिए लोड रहा है, तो लोड होने दीजिए। तो देखिए अभी लोडिंग हो रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, और आप लोग का डेफिनेटली बैंक अकाउंट ऐड हो गया ही होगा, कोई टेंशन मत लीजिए। तो देखते रहिए वीडियो को, ये ऑप्शन आ जाएगा आप लोग को, जौन सा भी बैंक अकाउंट है वहाँ में देख लीजिए आप लोग, जौन सा भी बैंक अकाउंट है, और आप लोग ऐड कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी ऐड है इसलिए मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, और मुझे और दूसरा है बैंक अकाउंट नहीं है। तो आप लोग को क्या प्रॉब्लम दे रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कमेंट बॉक्स में आप देखिए कौन सा में प्रॉब्लम दे रहा है, मैसेज सेंड होने में प्रॉब्लम दे रहा है या बैंक लिंक होने में प्रॉब्लम दे रहा है। तो आप लोग बताइए कौन सा आप लोग क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, रिप्लाई करूँगा आप लोग को। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और आप लोग का जो भी कमेंट हो मुझे कमेंट करके दीजिए, मैं आप लोग को सॉल्व कर दूंगा। तो मेरा तो बैंक अकाउंट है नहीं इसलिए आप लोग को ऐड करके नहीं देखा सका, तो कुछ बैंक अकाउंट ऐड होने में प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत सारे बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम दे रहा है। तो आप लोग SBI से आप लोग अच्छा से होगा, SBI UBI जो सा भी बैंक है तो आप लोग को होगा। यहाँ से देखिए बैंक का बहुत सारा ऑप्शन है, ICICI बैंक भी है, काफ़ी सारा बैंक है, वहाँ भी आप लिंक कर सकते हैं। तो वीडियो आज के लिए इतना है, वीडियो अच्छा लगने से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों का